बचे हुए चावल से हम बनाएंगे फ्राइड राइस। इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिए हैं। 5 से 6 लहसुन की कली को छोटे छोटे कट कर लिए हैं। इसको हम पका लेंगे और हम यहाँ पे अदरक ग्राइंड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम हरी मिर्च और 2 मीडियम प्याज को कट कर लिए थे। प्याज को हम हल्का पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें बीन्स और गाजर को छोटे छोटे कट कर लिए थे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको नरम होने तक पकाएंगे। जैसे ही बीन्स और गाजर नरम हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे चावल। तो ये रात का बचा हुआ चावल है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे हमें 3 से 4 मिनट पकाना है, फ्राई करना है। और इसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड किए थे। ऑलमोस्ट ये तैयार हो गया है।